ओडिशा फेरुछंती प्रवासी ओडिया गुजरात सूरत रु चारोटी बस रे प्रवासी ओडिया माने गंजाम फेरुथुबा सूचना मिलिछि। प्रति बस रे 50 रु अधिक यात्री रहितबा जाना पडिछि। आ यात्री माने निज खर्च रे बस भाड़ा करी फेरुछंती। यात्री एवं बस को स्थानीय प्रशासन फेरिबा पई अनुमति प्रदान करिछि। तेबे समस्त यात्री गंजाम जिल्लार बासिंदा होइतबा जाना पडिछि। फेरुथुबा ओडियांकु नै गंजाम जिलापाल विजय अमृत कुलांगे कहिछंती जे आसुथुबा समस्त लोक क्वारंटाइन रे रहिबे। गुजरात रे फसि रहितबा ओडिया फेरिबा पई मुख्यमंत्री नवीन पटनायक गुजरात मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को सह आलोचना करथिले। ओडिशा के लिए कामदार जो जा रहे हैं उसको गाड़ी के लिए पूरा गाड़ी पूरा फायर भी किया, एसएसपी द्वारा पूरा गाड़ी को सैनिटाइज किया हुआ है, सबको मास्क और मेडिकल चेकअप हुआ है। उसके बाद यहाँ से 30 पहुंचे, 3 गाड़ी ओडिशा के लिए निकलेगी और एक गाड़ी जो है मेरी साइड से निकली। ओडिशा पहुँचने के लिए कम से कम मेरे ख्याल से 2 दिन तो लग ही जाएगा। कल रात को मिडनाइट तक पहुँचेगी। रास्ते में उनका खाने का अरेंजमेंट जो है उनकी सरकार द्वारा किया हुआ है और इन लोगों ने यहाँ से नाश्ते का अरेंजमेंट भी है जो भी वो करवाया। लगभग एक बस में 55 के हिसाब से 4 में मतलब 220 हो गए आदमी। इस तरह का हमारा प्लानिंग है कि और जो भी जाना चाहता है हमारे उड़ीसा देश में जो तकलीफ में यहाँ झेल रहे हैं, जो उनको तकलीफ है खाने में पीने में या रहने में तकलीफ पड़ रही है, उन लोग के हम हमेशा साथ में है और अभी भी साथ में रहेंगे और आगे भी कुछ उनको तकलीफ है तो तकलीफ पूरा करने की कोशिश करेंगे। परमिशन के लिए एक फॉर्म भरा जाता है, उसके लिए हम कलेक्टर साहब से परमिशन लेते हैं। वहाँ से परमिशन अप्रूवल होने के बाद उड़ीसा गवर्नमेंट की परमिशन आ गई है। हाँ, वहाँ से भी आ गई है। वहाँ से कलेक्टर का भी फोन आ चुका है, उनसे बात हो चुका है अपना। एक महीने से हम लोग रुक रहे थे, जितना पैसा वैसा खत्म हो गया तो हम लोग भी टेंशन हो गया। जाने का भी परिवार के लोग भी बोल रहे आ जाओ, दिक्कत ना उधर ना हो, इसलिए हम लोगों को गाड़ी हम लोग निकाल रहे अपना परेशान है। तो हम लोग भी खुशी हो रहा है जाने के लिए।